हमारी दादी और दादा जी अब तक के सबसे स्टाइलिश, फैशनेबल और सबसे अच्छी दादा दादी हैं। हम पे विश्वास नहीं है, दादा और दादी की नई वीडियो देखें। बेटा, तुम थोड़े समय के लिए अपने दादा दादी के साथ रहने वाले हो। अरे मैं ही क्यों? मेरे दादा दादी बहुत बोरिंग हैं। वो इतने बूढ़े हैं। हे पोते, अरे यार, अलविदा यंग मैन। मैं यहाँ बोरियत से मरने वाला हूँ। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि उसके दादा दादी उसके आने पर बिल्कुल तैयार हैं। वो तुम्हारे दादाजी क्या कर सकते हैं? ऐसे कूदो जैसे तुम फिर से 16 साल के हो। वो मैं हवा का राजा हूँ। वूप्स, मेरे दांत। शुक्रवार की रात का मतलब होता है क्लबिंग जाने का समय। दादाजी, मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको जवान लड़के, बहुत रात हो चुकी है, बसें नहीं चल रही। तुम्हारे सभी क्लब बंद हैं। दादी और मैं तुम्हें यही अच्छा टाइम दिखाएंगे। इसे चालू करो दादी। ये आ गई है डीजे दादी, अपना पसंदीदा रिकॉर्ड चलाती है। तैयार हो जाओ बूढ़े आदमी, यहाँ मजे होने वाले है। डीजे दादी ट्रैक को मस्त चला रही है। मस्ती करो, आओ मेरे पोते, हमारे साथ करो। हाँ, मुझे लगता है मेरे दादा दादी सठिया गए हैं। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। इन दिनों बच्चे पार्टी के बारे में कुछ नहीं जानते। गाना बंद करो दादी। एमसी ग्राम्स आपको दिखाने वाला है कि कैसे नाचें। और नहीं, तुम्हारे ब्लड प्रेशर का क्या होगा? ठीक है, यो लो, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। ओहो, मेरे पीठ। हिम्मत रखो दादी, तुम्हारे दादाजी सरप्राइज से भरे हैं। वाह, तुम अद्भुत हो। स्प्लिट, वो भी इस उम्र में। बस अपने हिप को मत तोड़ लेना चैंपियन। आजकल के बच्चे वो उस पुरानी चाल में फंस गए। मुझे हल्के में मत लो मेरे बच्चे। हमारे पोते ने टिकटॉक के लिए एक नया फ्लिप द स्विच चैलेंज करने का फैसला किया। वो क्या कर रहा है? चलो कोशिश करें बूढ़े आदमी, हमें ट्रेंड्स के साथ चलना होगा। ये मजेदार होगा, एक शानदार परफॉर्मेंस। फ्लिप द स्विच चैलेंज, दादाजी और दादी जी का स्टाइल। उप्स, दादी सदमे को संभाल नहीं सकी। नए एयरपॉड दादा का सपना है। स्वीट स्टीव, मुझे वो चाहिए। दादाजी जानते हैं वायरलेस हेडफोन कैसे लेने हैं। बस साधारण हेडफोन के तारों को काटे, एक बेवकूफी वाला प्लान है। दादाजी, आपने क्या किया? मेरे हेडफोन्स, ये नए एयरपॉड्स हैं। मुझे शुक्रिया मत कहो। क्या, मुझे दो। अरे इसमें कुछ नहीं चल रहा, आपने मेरे हेडफोन्स तोड़ दिए। बस नाचो मेरे बच्चे, बस नाचो। दादाजी और दादी जी के साथ एक मजेदार आउटिंग। ओ, मुझे एक अखरोट मिला, ये मुझे दे दो। अपने दांत को चोट मत पहुंचाओ, दादाजी तुम्हारे लिए तोड़ेंगे। दादाजी एक अखरोट तोड़ने वाली मशीन की तरह है। उनके पास टाइटेनियम प्लेटेड वाले दांतों का एक नया सेट है। वो हमारा नट क्रैकर है। ईव, ये गंदा और अस्वस्थ है। ठीक है, जो तुम कहो। एक परिवार का मॉर्टल कॉम्पैक्ट गेम। प्यारी दादाजी और पोता साथ साथ खेल रहे हैं और पोता जीत रहा है। हाँ, आप हार गए दादाजी, इतनी जल्दी नहीं। दादाजी को कुछ चाल ही पता है जो असली जिंदगी में काम करती है। मेरी चप्पल की ताकत देखो। क्या दादाजी सो रहे हैं? बहुत अच्छी, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे और मैं सिर्फ अपने फोन में गेम खेल सकता हूँ। लेकिन दादाजी का अलग प्लान है। वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज शुरू करते हैं। और वाह, मेरा पोता कितना अनाड़ी है। दादाजी तुम फंस गए। हमारा पोता टहलने गया है लेकिन वो भूल गया कि ये बुरा इलाका है। रुको बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो?
लेकिन दादी बहुत हैरान है, वो स्पेशल सर्विस में थी। अरे मेरे पोती का हाथ छोड़ो, ये मेरा पड़ोसी है, सुना तुमने? तुम मुझे यहाँ फिर से मत दिखना। और मेरी दादी के साथ पंगा मत लो, मैं उनके कामों के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। पोता हार नहीं मानेगा, अब प्रैंक की बारी दादाजी की है। लेकिन वो एक बात भूल गया, बूढ़े लोगों से मजाक नहीं करना चाहिए। दादाजी के दांत बाहर गिर गए, तुम फिर से इसमें फंस गए। दादाजी दादी जी मेरी गर्लफ्रेंड से मिले, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वाह वो बहुत खूबसूरत है। तुमने इस बूढ़े आदमी का दिल जीत लिया है प्रिंसेस। मत जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसे ये पसंद है, बड़ी होठ वाली औरत। ये जार मेरा काम करेगा, मुझे बस एक सांस अंदर लेनी होगी। ओ नहीं दादी बस गई, मैं क्या करूं? दादाजी बचाने आए। वाह दादी यहाँ। उप्स, फिर आजादी मिली। मुझे बोलो कि मैं सुंदर हूँ। इस जेंगा टावर को बनाने में हमें एक घंटा लगा, लेकिन फिर दादाजी आए। क्या तुम बच्चे खेल रहे हो और तुम इसे जेंगा कहते हो? ये मेरे बूढ़े जोड़ों से भी ज्यादा कमजोर है। चलो दादाजी तुम्हें दिखाएंगे कि असली आदमी जेंगा कैसे खेलते हैं। ये पुराने जमाने का जेंगा है, इसे हल्का करो दादी। हमारा पोता सो गया, उसके साथ एक शरारत करने का टाइम है। मैं उसके कोक में मेंटॉस डालूंगी। ओह बहुत देर हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, जब वो पी रहा होगा तब मैं मेंटॉस डालूंगी, ये और भी अच्छा होगा। अब आया बूम। क्या दादी जी, दादाजी इसे देखो, मेरी नई जींस, सुपर कैजुअल, सुपर ट्रेंडी। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप क्या सोचते हैं? हाँ इन दिनों ये फैशनेबल है, इसके बजाय हमारे लुक को मैच कर लो, अब ये है ट्रेंड। दादाजी को तुम्हारी जींस अपग्रेड करने दो, मैं अभी इसमें कुछ और होल करूँगा। नहीं दादाजी ये ठीक है। वो क्या था? दादी वजन उठा रही है। वो असली था। ठीक है मुझे कोशिश करने दो। वाह बहुत भारी है, परेशान मत हो, सफाई करते हुए भी दादी जी वर्कआउट करती है। हमारे पोते को जंक फूड पसंद है। तुम क्या खा रहे हो बच्चे? नहीं नहीं नहीं, चिप्स और सोडा तुम्हारे लिए खराब है, यहाँ सेब लो। और ये मैं लूंगी, दादी अच्छी तरह जानती है। दादी दादी मुझे पता था तुम्हारी डायबिटीज के बारे में, दादी सच में सब अच्छे से जानती है। अपना पसंदीदा शो देखते हुए चिप्स और चॉकलेट खाना सबसे अच्छा है। मैंने पहले ये एपिसोड नहीं देखा। वाह बातें बहुत टेंशन वाली हो रही है, ट्विक्स मुझे शांत करेगा। हमारे पोते ने एक नया टैटू बनवाया। वाह माचो माच। दादी को अपना टैटू दिखाओ। हाँ? तुम इसे सीरियस टैटू कहते हो? इस पेंट को मिटा दो। दादी तुम्हें सिखाएगी कैसे असली टैटू बनाए। मेरी पुरानी टूल किट यही कहीं थी। यहाँ है मेरी भरोसेमंद हेल्पर। मेरी जवानी में वापस जाने का समय आ गया। शांत रहो पोते, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी।
तो ये सब हो गया, दादी खुश है। ये यूनिकॉर्न तो बहुत मैनली निकला। आपको हमारे फैशनेबल दादा दादी पसंद आए तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा प्रैंक पसंद आया। एक गुलाबी टैटू, बूढ़े लोगों की पार्टी या गिरने वाली दांत। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं।